केंद्र सरकार की 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की जल जीवन मिशन योजना में आम आदमी पार्टी के सांसद द्वारा घोटाले का खुलासा करने से आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। मुरादाबाद में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर खाली मटकों के साथ जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर मटकों को फोड़ा गया। राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन में आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया है कि जल जीवन मिशन योजना में घर घर पाइप बिछाकर पानी पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस पूरे घोटाले को अंजाम देकर हजारों करोड़ रुपए का गबन किया गया है, जिसका खुलासा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया है। जिस कंपनी रश्मि मेटालिक्स को इस योजना के अंतर्गत पाइप बनाने का ठेका दिया गया था, वो कंपनी पहले से ही घटिया और निकृष्ट पाइपलाइन बनाने के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब सहित 8 राज्यों और सेना द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कंपनी को ठेका जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा एक बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी तुरंत जांच कराकर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। आज हम जो प्रदर्शन करने आए हैं, हमारे माननीय संजय भैया के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उन्होंने इस बीजेपी सरकार का एक के बाद एक इतने घोटाले कर खोल रहे हैं आजकल, तो ये सरकार उनके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठा रही है। पहले राम मंदिर में घोटाला खोला उन्होंने, उस पर कोई जाँच नहीं हुई। अब ये जल जीवन मिशन जो NHN जो घोटाला हुआ, उससे भी बड़ा घोटाला है ये, 1,20,000 करोड़ का घोटाला है। जो घर घर पानी पहुंचाने का इन्होंने योजना चलाई थी, उस योजना के नाम पर इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। जितने भी जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है जल जीवन पानी का पाइप का, उस कंपनी को भारत सरकार में किसी भी प्रदेश में लगभग 8 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें किसी में भी उस कंपनी को घाटा वो ठेका नहीं दिया गया, और बल्कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई है भारत फौज के द्वारा भी, अपने भारत सेना के द्वारा। सेना ने भी इसे मना कर दिया कि ये कंपनी अच्छा माल नहीं बनाती, फ्रॉड करती है। उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने उसे ठेका दे दिया, जो कि बिल्कुल ही फुल तरीके से अपने लूट करने के लिए बनाई गई है। न्यूज़ डेस्क INN।